पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। से जुड़ी एक बड़ी खबर ये आ रही है दोस्तों कि सदन में राहुल गांधी ने मुसलमानों पर हुए हमले पर संसद में आवाज बुलंद की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि मणिपुर जला दिया, मणिपुर से लेकर नू तक इन्होंने आग के हवाले कर दिया, मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया जा रहा है और कैसे हर कोई मुसलमानों को लेकर अपनी नफरत की राजनीति में देश को जलाए जा रहा है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने ये हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके बीच एक सवाल लगातार खड़ा होता है कि देश के प्रधानमंत्री के पास मणिपुर पर बोलने के लिए 36 सेकंड से ज़्यादा नहीं थे। नूह पर तो वो क्या ही बोलेंगे, क्योंकि बात जब मुसलमानों की होती है तो बस उन्हें मारना जलाना और उन्हें नेस्ते नाबूद करने की राजनीति इन्हें दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पाले हुए गुंडे, बीएचपी बजरंग दल के लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए मुसलमानों को मौत के घाट उतार देते हैं, लेकिन उन पर कोई बात नहीं होती है। लेकिन इसी के बीच राहुल गांधी ने क्या कुछ संसद में कहा है, आपको इस वीडियो पर एक बार नजर डाल लेनी चाहिए। जैसे मैंने पानी सर प्लीज जैसे मैंने प्लीज ब्रदर प्लीज भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एवरी प्लीज प्लीज बैठिए, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में, मणिपुर के लोगों के दिल में। एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट आप भी विराजो आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो आप, चलो आप बैठिए बैठिए, आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज आप बोल रहे, फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज मानी सुनिए, प्लीज प्लीज मानी सुनिए, प्लीज 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 देखिए माननीय सदस्यगण, प्लीज प्लीज माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ, आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो।
सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की, दो लोगों की आवाज सुनते हैं। किसकी आवाज सुनते हैं? किसकी आवाज सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं। नो, नो एक गलत तरीका माने सदस्य। देख लीजिए अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है, देख लीजिए। ये पहले आप पोस्टर ले आए, गलत तरीका आपका माने सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का बाहर सदन में मत करिए। आप बात कहिए लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण, रावण दो लोगों की सुनता था, रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माने सदस्य, आप सही अमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माने राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी ने साफ तौर पर मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और उस आईने के बीच में सच्चाई को बेनकाब संसद के बीच में कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच और तो और जब राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की गई, उस रोकने के बीच में भी राहुल गांधी ने हरियाणा में हुए मुसलमानों के हमले पर अपनी आवाज़ पूरी दुनिया के बीच पहुंचा दी है संसद में नूह का जिक्र करके। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।